सौतेली गाय माँ का प्यार। माँ, तुम हमसे दूर क्यों चली गई? मुझे और चिंकी को बहुत तुम्हारी याद आती है माँ। हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए हैं। बाबा भी बदल गए हैं। अब पहले जैसे नहीं रहे बाबा, अब दूसरी माँ लाने का सोच रहे हैं। नानी कहती है दूसरी माँ अच्छी नहीं होती है, वो बच्चों को बहुत सताती है, उन्हें खाना और दूध भी नहीं देती, और उसका बस चले तो वो गरम गरम तेल में डालकर उन्हें जिंदा जला देती है। लेकिन भैया, माँ तो माँ होती है ना, माँ बहुत अच्छी होती है, माँ ऐसा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। पीछे खड़ा राकेश अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और इस कश्मकश में फंस जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए दूसरी माँ लाए या ना लाए। क्या करूँ, एक तरफ मेरे बच्चे हैं जो नहीं चाहते कि मैं उनके लिए दूसरी माँ लाऊं, ना जाने किसने उनके मन में ये वहम डाल दिया है कि दूसरी माँ अच्छी नहीं होती है, और दूसरी तरफ ये भी नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह रहे हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं बाहर का काम संभालता हूँ तो घर में बच्चों को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, अगर घर में रहकर बच्चों की देखभाल करता हूँ तो बाहर का काम संभालने वाला कोई नहीं है। हे भगवान, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मुझे बच्चों के लिए दूसरी माँ लानी चाहिए या नहीं। अरे राकेश, आज तुम काम पर इतना लेट क्यों हो गए? अरे सेठ जी, वो घर पर भी बहुत सारा काम रहता है ना, आप तो जानते ही हैं मेरी पत्नी अब नहीं रही, घर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है, बच्चों की देखभाल, उनका खाना पीना, सब कुछ, इसलिए बस हर रोज लेट हो जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा सेठ जी, क्या करूँ? देखो राकेश, मैंने तुम्हें पहले भी सलाह दी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे तुम घर का देखोगे तो बाहर का काम नहीं संभाल पाओगे, और बाहर का देखोगे तो बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारा दूसरी शादी करना बहुत जरूरी है। राकेश ने सेठ को पूरी बात बताई कि वो अपने बच्चों की वजह से दूसरी शादी नहीं कर सकता, उसके बच्चे नहीं चाहते हैं कि उनके पिता दूसरी शादी करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम इस वजह से दूसरी शादी नहीं कर रहे हो। राकेश, तुम मेरी तरफ से पूरी गारंटी लो, अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो तुम्हारी पत्नी एक सच्ची माँ साबित होगी, वो बच्चों को बिल्कुल भी सौतेली माँ जैसी नहीं लगेगी, ठीक अपनी माँ जैसी लगेगी। मेरी एक मुंह बोली बहन है, किस्मत ने उसके साथ भी बहुत मजाक किया है, उसे भी एक जीवन साथी की जरूरत है, वो बहुत अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ साबित होगी, मेरे कहने पर तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सेठ के मुंह से ये बात सुनकर राकेश को लगा कि शायद भगवान ने उसे रास्ता दिखा दिया कि वो अपने बच्चों के लिए दूसरी माँ ले आए। राकेश सेठ की मुंह बोली बहन रूपा के साथ शादी करके उसे घर ले आता है, वहीं दूसरी तरफ मोनू और चिंकी को उनकी नानी उनकी नई माँ के खिलाफ भड़काती हुई कहती है, देखा बेटा मोनू, आज तुम्हारे पिता दूसरी शादी करके आ रहे हैं, तुम लोग दूसरी माँ से बच के रहना, मैं कह देती हूँ। हाँ, दरअसल राकेश अपनी पत्नी रीमा, बेटे मोनू और बेटी चिंकी के साथ बहुत खुश था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी रीमा की तीसरे बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी, तब से राकेश अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित था। उनकी देखरेख करने का नाटक करती हुई उनकी नानी उनके पास रहती थी, वो बच्चों की देखरेख करना तो दूर, उल्टा उन्हें हर रोज उल्टी सीधी बातें कहकर भड़काती थी। देखो तो बच्चों, कौन आया है, तुम्हारी नई माँ आई है, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, माँ का प्यार देगी, खाना खिलाएगी, दूध पिलाएगी। ये हमारी माँ नहीं है, हमारी एक ही माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये तो बस आप अपने लिए अपनी नई पत्नी लेकर आए हैं, और इसे हम सब कभी अपनाएंगे नहीं, क्योंकि नई माँ अच्छी नहीं होती, बहुत बुरी होती है, चल चिंकी यहाँ से। मोनू और चिंकी वहाँ से चले जाते हैं। रूपा को बच्चों की बातें सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, वहीं राकेश अपनी नई पत्नी रूपा के सामने शर्मिंदा हो जाता है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, चिंता मत करिए, बच्चों को अभी मेरे साथ घुलने मिलने में समय लगेगा, देखना थोड़े दिनों में बच्चे मेरे साथ बहुत खुश रहेंगे और मुझे अपनी माँ के रूप में अपना लेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रूपा, मैंने दूसरी शादी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए की है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों का पूरा ख्याल रखो, उन्हें माँ का प्यार दो, मेरे बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत तरसे हैं, बस तुम उनकी अच्छी माँ साबित हो। सौतेली माँ के बारे में जैसा सबको भ्रम था, रूपा बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी और राकेश के बच्चों को अपने बच्चे समझकर प्यार देना चाहती थी,
लेकिन बच्चों को उनकी नानी ने ऐसा भड़काया था कि वो उसके पास भी नहीं आ रहे थे। चलो बच्चों, जल्दी से आओ, देखो मैंने तुम लोगों के लिए क्या बनाया है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, बिल्कुल माँ के हाथ के बने खाने की जैसी खुशबू लग रही है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आओ ना चिंकी, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया खीर पूरी बनाई है, आओ जल्दी जल्दी खा लो। देखो बेटा मोनू, चिंकी तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी के पास जा रही है। ये तो है ही चालाक, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में चिंकी को फंसा लेगी। रोको इसे, चिंकी अभी बहुत छोटी है, उसमें समझ नहीं है ना, ना जाने क्या कर बैठेगी ये तुम्हारी बहन के साथ। आप सही कह रही है नानी, मैं अभी चिंकी को रोकता हूँ। रुको चिंकी, हमें नहीं खाना ये भोजन, तुम जानती नहीं हो ये बहुत बुरी है, ये कभी भी हमारी माँ नहीं बन सकती। और तुम हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो, हमें नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना, चली जाओ हमारी नजरों से दूर, और दूर रहना मेरी बहन और मुझसे। ठीक है बेटा, तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन खाने का निरादर नहीं करना चाहिए। खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम खाना खा लो। रूपा वहाँ से चली जाती है इसी उम्मीद में कि शायद वो एक दिन बच्चों का दिल जीत ले। भैया खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी माँ ने बनाया है, एक बार खाकर तो देखो। चिंकी को खाना खाता हुआ देख मोनू के मुंह में भी पानी आने लगता है और उससे रहा नहीं गया और वो खाना खा ही लेता है। वहीं उनकी नानी दोनों पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि उन्हें ये खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरफ बच्चों को खाना खाता हुआ देख रूपा बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे करके रूपा ने चिंकी का तो दिल जीत लिया था, लेकिन मोनू के दिल में अभी भी वो जगह नहीं बना पाई थी। लेकिन इतना था कि मोनू अब रूपा के हाथ का बना हुआ खाना पसंद करने लगा था और खाना चुपचाप खा लेता था। रूपा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हो। धीरे धीरे करके तुमने चिंकी के दिल में जगह बना ली है और मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मोनू के दिल में भी अपने लिए जगह बना लोगी। ये आपके ही बच्चे नहीं है, अब मेरे भी बच्चे हैं। बस आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं धीरे धीरे करके सब ठीक कर दूंगी। मोनू बेटा, तुम देख नहीं रहे हो, उस डायन ने चिंकी को अपने वश में करके रखा है। चिंकी पूरी तरह से बदल चुकी है, सारा सारा दिन उस डायन के पास रहती है, पहले की तरह अब तुम्हारे और मेरे पास भी नहीं आती है। मोनू की नानी जब मोनू को भड़का रही थी तब रूपा पीछे से खड़ी सुन रही थी। रूपा सब जानती थी कि बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें कभी नहीं आती हैं। उन्हें जरूर कोई भड़काने वाला होता है, तभी ऐसी चीजें बच्चों के दिमाग में आती हैं। वो सब जानती थी कि उन्हें भड़काने वाली उनकी नानी है, लेकिन आज तक रूपा ने मुंह नहीं खोला था। आज पहली बार रूपा से बर्दाश्त नहीं हुआ और आज वो बोल उठी। माँ जी आप क्या कह रही हैं? बच्चों को उल्टा सीधा क्यों सिखा रही हैं? आप जानती हैं ना बच्चे तो मासूम होते हैं, हम उन्हें जैसा सिखाते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं, क्यों आप बच्चों को गलत गलत चीजें सिखाती रहती हैं? राम राम, तौबा तौबा, देखा बेटा मोनू, आज इस डायन की इतनी हिम्मत हो गई कि आज मुझसे जुबान लड़ाने लगी है, कल ये मुझे इस घर से ही निकाल देगी। मेरी अपनी बेटी होती तो ऐसा कभी नहीं करती। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नानी को ऐसा कहने की? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती, इसलिए मेरी माँ जैसी बनना छोड़ दो। लेकिन बेटा मैं तो, रूपा लाख कोशिश करने के बाद भी मोनू के दिल में जगह नहीं बना पा रही थी, इसलिए वो बहुत उदास होती है। माँ आप चिंता ना करिए, भाई बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो तो नानी है जिन्होंने भड़का भड़का कर भाई का दिमाग खराब कर दिया है। देखना एक दिन भाई भी समझ जाएगा कि आप कितनी अच्छी हैं, आप हमारी माँ से कम नहीं है। हाँ, चिंकी बेटा तुम सही कह रही हो। फिर एक दिन की बात है, मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते दूर गांव के बाहर आ जाता है, जहाँ पर एक कीचड़ का बहुत बड़ा दलदल होता है, जिसमें खेलते खेलते मोनू गिर जाता है। मोनू के सारे दोस्त डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। चिंकी भागती हुई आकर अपनी नानी को इस बारे में बताती है। हे भगवान मोनू, तुम यहाँ कैसे फंस गए, अब तुम्हें यहाँ से कौन बाहर निकालेगा? नानी नानी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं धीरे धीरे इस दलदल में धंसता ही जा रहा हूँ, देखिए ना
कीचड़ मेरी गर्दन तक आ गया है। मैं मर जाऊंगा अगर